बच्चों बीबीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 8.4 का पूरा समाधान करेंगे। देखिए पहला नंबर जो सवाल है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसकी पी क्यू आर 90 डिग्री और जो है पी क्यू 6 सेंटीमीटर हो और क्यू आर 4 सेंटीमीटर हो। देखिए पहले क्या करेंगे, पी क्यू खींच लेंगे लकीर, पी क्यू खींच करके और इस पे क्या करेंगे क्यों पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो सर्वप्रथम देखिए लाइन खींचते हैं, कितना डिग्री का बोला है, 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री का लाइन खींचेंगे, देखिए यहां से यहां हुआ ये 6 डिग्री, ये हुआ देखिए यहां तक 6 डिग्री, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हुआ। तो यहां पे लिख देंगे एक नंबर सवाल, देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इस पर लिख दिए, ये देखिए यहां पे लिखेंगे P और यहां पे Q, ये P क्यों लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पे देखिए यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक चाप लेंगे इसे, देखिए इसे के देखिएगा ये हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहां से एक चाप लीजिए, फिर यहां से एक चाप, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक यहां से ले लेंगे, एक यहां से ले लेंगे इसे करके, देखिए ये इसे, फिर यहां से एक खींचने के बाद देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। तो एक 90 डिग्री पर रेखा खींच देते हैं, ये लीजिए 90 डिग्री पर, यहाँ एक पॉइंट दे दिए बिंदी और यहाँ एक बिंदी, इसको 90 डिग्री से ऐसे मिला दिए, मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि बोला है क्यू आर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, तो क्यू आर माप लेंगे, ये देखिए ये हो गया क्यू आर, ये 4 सेंटीमीटर, देखिए यहां से यहां ये 4 सेंटीमीटर माप लिए, 4 सेंटीमीटर माप के यहां से काट देंगे, ये देखिए काट दिया। अब इसको क्या करेंगे, पी से मिला देंगे, ये देखिए यहां पे कटान बिंदु यहां पे और इसको यहां से मिला देंगे, इसका देखिए पी क्यू ये हो जाएगा आर, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि दूसरा नंबर, दूसरा नंबर ए बी सी एक सम द्विबाहु समकोणिक त्रिभुज बनाया जिसके ए बी सी का 90 डिग्री और ए बी 7 सेंटीमीटर। पहले देखिए ए बी क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच देंगे, पर जैसे बोला है 7 सेंटीमीटर रेखा, तो समकोणिक बोला है तो ए बी 7 सेंटीमीटर, ये देखिए ये लेंगे यहां पे और यहां पे 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच देंगे, देखिए ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 सेंटीमीटर खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे लिख देंगे ए और यहां पे बी, ए बी करने के बाद बी पर 90 डिग्री का कोण, क्योंकि देखिए पहले ही बोल दिया यहां पे बी पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, ये देखिए 90 डिग्री बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये लिए और यहां पे ऐसे बी पर 90 डिग्री, ये देखिए यहां पे आप यहां से यहां ले लेंगे ये, फिर यहां से देखिए और यहां से यहां पर, ये हो गया। तो इसको ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इस पे खींच देंगे लकीर, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि समकोणिक त्रिभुज बोला है, तो समकोणिक जब भी बोले तो आप लोग क्या कीजिए, ये तो इसका 7 सेंटीमीटर मान है, ये लीजिए इसको, ये माप लीजिए, इसको मापने के पश्चात क्या कीजिएगा, यहां से काट दीजिएगा, ये काटने के पश्चात इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, देखिए इसको इससे मिला देंगे,
बस हो गया। अब देखिए ए बी और ये सी, ये कोण का मान है 90 डिग्री, कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में बोला है कि एक्स वाई जेड एक समकोणी त्रिभुज बनाए जिसके एक्स वाई जेड 90 डिग्री, देखिए वाई पे बोला है 90 डिग्री, ठीक है, वाई पर जब भी 90 डिग्री बोला है, वाई पे 90 डिग्री, तो वाई और एक्स का रेखा खींच देंगे। देखिए ये वाला खींचेंगे इस बार, ये लीजिए 6 सेंटीमीटर का, कितना का है 6 सेंटीमीटर का, तो यहां पे 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, यहां से ऐसे करके आप लोग 6 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर खींच दिए। खींचने के बाद क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा इसे 6 सेंटीमीटर और वाई और ये एक्स हो गया। वाई पर कितना बोला, वाई पे बोला है 90 डिग्री का, इस बार वाई पर बनाएंगे कौन, ये देखिए यहाँ पे रखिएगा कंपास को, सर्वप्रथम ऐसे रखने के बाद इसको घुमा दीजिएगा, देखिए ये घुमा दिए, पहला चाप यहां से, फिर दूसरा चाप यहां से, यहां पे काट दीजिए और फिर यहां से यहां काट दीजिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहां बिंदी डाल दीजिए और यहां ये इसको इसे मिला दीजिए, उसके बाद क्या बोला है ये लोग कि एक्स जेड मतलब यहां पे तो जेड होगा ये 10 सेंटीमीटर, तो कंपास लीजिएगा, इसे कंपास से 10 सेंटीमीटर का माप लीजिएगा, ये यहां देखिए यहां से लेके यहां से ये हो गया 10 सेंटीमीटर का माप, माप ले लिए, ये माप लेने के बाद क्या कीजिएगा, ये एक्स है, एक्स से काट दीजिए, एक्स ये काट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया जेड, ये वाई जेड का कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर खींच दिए, उसके बाद ये बिंदु और ये बिंदु मिला दीजिए, मिला दीजिए और यहां पे 10 सेंटीमीटर लीजिए और यहां पे 90 डिग्री लिख दीजिए, कंप्लीट। अब देखिए चार नंबर, देखिए सर्वप्रथम क्या बोला, ए बी सी एक समकोणिक त्रिभुज है जिसकी ए बी ए सी 90 डिग्री और बी सी 8 सेंटीमीटर एवं ए सी बी 45 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले क्या से? क्या बोला, स्केल और पेंसिल से एक सी एक्स किरण ले, सी एक्स देखिए इसे ऐसे ले लेते हैं, सी एक्स किरण, देखिए यहां पे सी एक्स किरण ले लीजिए, ये हो गया सी एक्स किरण, यहां पे लिख दीजिए सी और ये लिख दीजिए एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, सी बिंदु को केंद्र मानकर पेंसिल की सहायता से सी एक्स मतलब सी और ये एक्स हो गया, सी पर 90 डिग्री का कोण बनाए, सी पर इस पर जो बोला है यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, यहां पर देखिए सी पर 90 डिग्री का कोण, देखिए ये लेंगे यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहां से और यहां से, देखिए यहां पे और ये यहां पर हुआ, ये 90 डिग्री का कोण बना दिए, इसे जैसे बोला है सवाल में वैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये 90 डिग्री का कोण हो गया। देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पे 90 डिग्री बना दिए, पेंसिल कंपास की सहायता से एक्स सी डी को संधिभाजित करें, देखिए एक्स सी और ये डी मान दे दिया, डी को संधिभाजित दो मतलब दो भागों में बांटना है, एक्स सी वाई मिलाएं 45 डिग्री हो, एक्स सी वाई अब 45 डिग्री
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। पहले 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं, देखिए यहां से लेके यहां पर यही से करके यहां से यहां ले लेंगे, ये 45 डिग्री का कोण बना दिए। देखिए और ये समद्विभाजक हो गया, ये y हो जाएगा मान, ये y ये लंबा से कर दिए, इसको y लिख दिए, ये y हो गया। अब देखिए क्या बोला है, ऊपर में सवाल में बोला था c पर 45 डिग्री, ये c पर 45 डिग्री का भी हो गया, ये c पर 45 डिग्री का, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे बोला है 90 डिग्री, तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, सी वाई किरण के ऊपर बिंदु, सी वाई किरण के भी ऊपर बिंदु, अब नहीं बोला है सी वाई पर 8 सेंटीमीटर का काटे, सी वाई पर 8 सेंटीमीटर, पहले 8 सेंटीमीटर माप लेंगे, देखिए 8 सेंटीमीटर ले लिया, और सी वाई पर 8 सेंटीमीटर का कोला काटने के लिए, तो ये सी वाई पर 8 सेंटीमीटर काट दिया। अब क्या बोला है कि बराबर कि काटने के बाद सी सी बी लिया, ये इसको अब बी बना दिया, इसको बी बोल दिया, बी बिंदु से स्केल और कंपास की सहायता से सी एक्स के ऊपर एक लंब बनाइए, सी एक्स के ऊपर यहां पे, ये देखिए सी एक्स चिन्ह देकर या लंब सी एक्स बिंदु पर काटती है, किस पर काटती है, सी एक्स ये यहां पे बिंदु, ए बिंदु पर काटती है, लिख दीजिए ए बिंदु पर काटती है। अब देखिए प्रथम बी सी 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, बी ए सी 90, बी ए सी, बी ए सी यहां पे जो करेंगे हम लोग, ये देखिए यहां पे ए सी बी 45, ये देखिए ए सी बी 45 ये तो है ही, काटती है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे एक नीचे रेखा खाली खींच देंगे, ये वाला देखिए ये सीधा खींच दीजिएगा आप लोग, ये करके यहां पे ना खींचकर ये इसको ए मान दे दीजिए, ए मान दे दिए। अब इस पे क्या कीजिएगा, यहां पे आप लोग 90 डिग्री बना दीजिएगा, ये 90 डिग्री, तो ये आपका कोण तैयार हो गया, और कुछ करना नहीं है, खाली ये वाला नहीं, ये वाला लकीर आप लोग नहीं खींचिएगा, ये वाला लकीर नहीं खींचिएगा, बस हो जाएगा आपका, ये यहां पे मिटा दीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का 8.4 पूरा कंप्लीट हो गया।